एक समय की बात है जब देवता और असुरों के बीच अमृत के लिए महासमर चल रहा था। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय किया। समुद्र मंथन के लिए वे समुद्र के मध्य में वसुकी नाग को रोकने का निर्णय लिया। इसके बाद वे समुद्र मंथन के लिए कदम बढ़ाया। देवताओं ने सहायक के रूप में विष्णु भगवान को चुना, जबकि असुरों ने भगवान शिव को अपने साथ लिया। समुद्र मंथन के दौरान नाग वसुकी और पहलवान मंदराचल पर्वत के सहारे समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन के बाद अमृत का प्रकट होने लगा, लेकिन जब अमृत प्रकट हो रहा था, असुरों ने उसे स्वयं ही अपने पक्ष में लेने की कोशिश की। इस पर भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं और असुरों के बीच कठिन युद्ध के बाद भगवान विष्णु ने विश्वरूप में अपना रूप दिखाकर सभी को भयभीत किया। उन्होंने असुरों के राजा बलि को वचन दिया कि वे अमृत को उन्हें दे देंगे, लेकिन केवल उस शर्त पर कि अमृत का प्राप्तिकरण विधिवत होगा। असुरों ने विश्वास किया और अमृत को देवताओं के हाथों में सौंप दिया। देवताओं ने अमृत पी लिया और असुरों को हरा दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार छोड़ दिया और असली रूप में प्रकट होकर देवताओं को आशीर्वाद दिया। इस कहानी का सिखावा यह है कि सत्य, ईमानदारी और धैर्य ही अंत में विजयी होते हैं। भगवान के आशीर्वाद से सच्चे मन से काम करने वाले व्यक्ति हमेशा सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर आपने इसे आनंद लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद और शुभकामनाएं।